जैसे वो वोटर कार्ड बना सकते हैं, पैन कार्ड बना सकते हैं, आयुष्मान भारत कार्ड बना सकते हैं, पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पीएम किसान का केवाईसी कर सकते हैं, और ना जाने कितने योजनाएं हैं सरकार की, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, उन सभी कामों का आप सीएससी सेंटर के माध्यम से कर सकते हैं और खुद तो कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने गाँव के अपने पंचायत के लोगों को करके एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप सीएससी आईडी कैसे ले सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं और आप आसानी से सीएससी आईडी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप सभी लोगों को पता होगा कि ये हमारा सीएससी आईडी का एक सीरीज चल रहा है जो 10 से 12 वीडियो का सीरीज होने वाला है। तो ये सीरीज का दूसरा वीडियो है और इसके माध्यम से आप जानेंगे कि सीएससी जो ये आईडी हम अप्लाई करते हैं, सबसे पहले टीएससी सर्टिफिकेट का अप्लाई करते हैं और इसके बाद उसमें 10 मॉड्यूल्स का एग्जाम देना पड़ता है। तो वही एग्जाम को आप कैसे क्लियर करेंगे, कैसे क्रैक करना है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर उससे पहले आपको नॉलेज चाहिए तो हमारा पहले के वीडियो में जा सकते हैं, वहां हम आपको बता रखे हैं कि किस तरह से टीएससी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, कितना पेमेंट करना पड़ता है और क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में वहां पे हमने बात कर रखा है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसे लॉगिन करने वाले, जो हमारा टीएससी सर्टिफिकेट का आईडी और पासवर्ड हमें जो मिला है ईमेल में, उसे हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद उसमें क्या क्या फीचर्स हमें मिलता है, किस तरह से हमें मॉड्यूल का एग्जाम देना पड़ता है, किस तरह से उसका प्रिपरेशन करना पड़ता है, उसका जो तैयारी करने के लिए कहाँ वीडियो दिया गया है, किस तरह से डॉक्यूमेंट है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे टीईसी सर्टिफिकेट के वेबसाइट पे आ चुके हैं, तो हमारा आईडी पासवर्ड मिल चुका है। तो हम यहाँ पे आकर के लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पे जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा लॉगिन के लिए आईडी और पासवर्ड डालने का हमारे दो खांचे मिल जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं दो खांचा यहाँ पे मिला है, एक यूजर नेम के लिए और एक दूसरा जो मिला है हमारा पासवर्ड के लिए मिला है। इसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट में हमारे यहाँ पे यूजर नेम दिखाई देता है, वो जो भी हमारा यूजर आईडी है उसके नीचे में दिखाई देता है और यहाँ पे नेम देख सकते हैं, हमारा नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज में इंग्लिश दिखाई दे रहा है और ऊपर में हम यहाँ पे देखें तो वेलकम करके यहाँ पे हमारा फोटो लगा हुआ है और जो भी हमारा टीएससी सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है यूजर नेम। और इसके बाद हम यहाँ पे लर्निंग पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। लर्निंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी मॉड्यूल्स का जो भी आप प्रिपेयर करेंगे यानी तैयारी करेंगे उसके लिए यहाँ पे पीडीएफ भी दिया गया है, साथ ही साथ वीडियो भी दिया गया है। तो इसके माध्यम से आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं यानी तैयारी कर सकते हैं आसानी से, चाहे आप हिंदी से तैयारी कर सकते हैं, हिंदी का वीडियो भी देख सकते हैं। तो पहला जो हमारा मॉड्यूल एंटरप्रेन्योरशिप का है यानी उद्यमी का है, तो आपको कैसे उद्यमी के लिए आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10, उसे किस तरह से पास करना है, उसके बारे में यहाँ पे वीडियो दिया गया है तो आप इसे पढ़ लेंगे। तो फाइनली हमारा जो है ना, जो भी हम पढ़े हैं वो हम कॉमर्स के बैकग्राउंड से पढ़े हैं, जिसके कारण हमारा एक सब्जेक्ट था वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें सारा कुछ हम उसी समय पढ़ लिए थे। तो आप यहाँ पे हम देख रहे हैं सारे क्वेश्चन को, तो हमारे दिमाग में आ रहा है कि किस तरह से हम एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। तो इसमें हम यहाँ पे पढ़ने वाले नहीं, हम डायरेक्ट एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ इस एग्ज़ाम को यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो हमारा पहला मॉड्यूल को जो भी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला हम यहाँ पे दिखाने वाले, हम यहाँ पे एग्ज़ाम पे क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पे फाइनली एग्ज़ाम यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 मॉड्यूल्स का एग्ज़ाम हमने कंप्लीट नहीं किया है। पहले हम 10 मॉड्यूल का एग्ज़ाम कंप्लीट करेंगे, हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो फाइनल एग्ज़ाम हम इसके बाद दे सकते हैं। जो फाइनल एग्ज़ाम में हमें 5 बार मौके मिलते हैं एग्ज़ाम में बैठने के लिए और 5 बार ट्राई करने के बाद आपको पास आउट कर लेना है। अगर छठा अटेम्प्ट करते हैं तो आपको सीएससी आईडी लेना इम्पॉसिबल हो सकता है। तो 5 अटेम्प्ट में ही आप क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं मॉड्यूल, इस मॉड्यूल में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट, जितना अटेम्प्ट में आप क्लियर कर सकते हैं इसमें अनलिमिटेड है। आप तो मॉड्यूल में आप यहाँ पे कभी भी पास कर सकते हैं, 10 बार में भी पास कर सकते हैं, 15 बार में भी पास कर सकते हैं, 100 बार में भी पास कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सीखना है, मॉड्यूल में आपको सीखना है। 10-10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और यहीं से सीखा हुआ क्वेश्चन आपको जो फाइनल आपको जो मिलने वाले हैं एग्जाम, उस एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं और हम एग्जाम यहां पे क्रैक करके आपको दिखाने वाले हैं।
और चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम को। तो हमारा देख सकते हैं जैसे हम एग्जाम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टेली सेंटर इंटरप्रेन्योर कोर्स ISB स्टार्ट एग्जाम का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट एग्जाम पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली हमारा एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे एक घंटे का हमें टाइम मिलता है 10 क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है आपको। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन का पहले हम क्वेश्चन पढ़ करके आपको सुनाते हैं, इसके बाद फिर हम यहाँ पे आंसर करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कम जोखिम लेता है, प्रयोग से बचता है। तो वह उद्यमी नहीं कहलाता है, वो हमेशा जोखिम लेता है, नए नए कार्य करते हैं, नए नए कुछ ट्राई करने का प्रयास करते हैं, तो उसे हम उद्यमी कहते हैं। तो हम यहाँ पे फॉल्स पे क्लिक करने वाले हैं और फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियाँ करता है, प्रबंध, आयोजन और सभी निर्णय स्वयं करता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ट्रू पे क्लिक करने वाले हैं और फिर नेक्स्ट बटन पे हम यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, 92% स्टार्टअप शुरू होने के पहले 3 वर्ष के भीतर सफल होते हैं। तो हम यहाँ पे फॉल्स पे क्लिक करने वाले हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोग हमेशा सफल होते हैं। फॉल्स पे क्लिक करने वाले हैं। अब हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है, एक नए विचार के आधार पर एक नया उद्यम शुरू करना उद्यमी कहलाता है। तो ये सही है, हम यहाँ पे ट्रू मारने वाले हैं इस पांचवें क्वेश्चन में। तो हमारे सामने यहाँ पे छठा क्वेश्चन आता है, एक सफल उद्यमी बहुत तेजी से अमीर बन सकता है। तो हम यहाँ पे जो भी उद्यमी बनता है, जिसका बिजनेस होता है, वह तेजी से अमीर हो सकता है। हम यहाँ पे सही मारने वाले हैं, यानी ट्रू पे क्लिक करने वाले हैं। और यहाँ पे हमारे सातवां क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने, इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। तो हमारे सामने पहला ऑप्शन आता है, एक शहर में नए प्रकार के रेस्टोरेंट शुरू करना, एक कॉल सेंटर BPO में काम करना, एक कोचिंग सेंटर में गणित पढ़ाना, किसी कंपनी में बॉस द्वारा दिए गए कार्यों को प्रबंध करना और पूरा करना। तो इनमें से एक उद्यमशीलता का जो उदाहरण है हमारे अनुसार से, एक शहर में नए प्रकार के रेस्टोरेंट शुरू करना, ये हो सकता है। तो हम इसी पे क्लिक करने वाले हैं, फिर आगे बढ़ने वाले हैं। और हमारे सामने यहाँ पे आठवां क्वेश्चन आ चुका है, एक उद्यमी वह होता है जो इन गतिविधियों के FEW में शामिल होता है, प्रबंध, आयोजन, नवाचार, जोखिम ग्रहण करना आदि। तो ये सभी गतिविधियाँ शामिल होता है, आपको जोखिम भी उठाना पड़ता है, कुछ नया विचार भी करना पड़ता है, प्रबंध भी करना पड़ता है, आयोजन भी करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे ट्रू पे क्लिक करने वाले हैं। हमारे यहाँ पे नौवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। तो हमारे सामने आते हैं, एक पुराने विचार मौजूदा व्यापार मॉड्यूल और कम जोखिम के आधार पर व्यवसाय शुरू करना, एक IIT MBBS कोचिंग संस्थान में अध्यापक, उच्च जोखिम के साथ एक नए ऐप सॉफ्टवेयर के आधार पर व्यवसाय शुरू करना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अपने आधार पे यहाँ पे आपको चयन करना होगा कि आप यहाँ पे क्या क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे जो क्लिक करने वाले हैं, इनमें से कोई नहीं पे क्लिक कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखना होगा, हमारा यहाँ पे फाइनल कंप्लीट हो चुका है। अब देखना होगा कि हमारा कितना नंबर आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द असाइनमेंट, काइंडली मूव द नेक्स्ट मॉड्यूल। यहाँ से पता चल रहा है कि एग्जाम में हम यहाँ पे क्रैक कर चुके हैं, यानी जो भी हमारा मॉड्यूल 1 था उसमें हम पास आउट कर चुके हैं, इस मैसेज से हमें पता चल रहा है। तो आप हमें कॉमेंट करके बताइए कि कितना नंबर आने वाले हैं, जो हमारा ये मॉड्यूल 1 में है, ये फाइनली हमारा कितना नंबर आने वाले हैं, हमें कमेंट करके बताएंगे। और फिर हम यहाँ पे लॉगिन करके आपको दिखाने वाले हैं कि जो मॉड्यूल 1 में हमारा कितना नंबर आया है। तो चलिए फिर से लॉगिन करते हैं और लॉगिन करके हम देखते हैं कि हमारा मॉड्यूल 1 में हमारा कितना नंबर आया हुआ है। तो हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं आपको, उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए जो भी हमारा असाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है 1, तो 1 में हमारा कितना नंबर आने वाले हैं, आप हमें गेस करके बता सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा 6 नंबर मिला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो 10 में से 6 नंबर हमें मिल चुका है, और हम यहाँ पे जो भी मॉड्यूल 1 था उसे पास आउट कर लिए हैं। तो इस वीडियो में हम मॉड्यूल 1 के लिए ही बारे में बात करने वाले थे, उसका किस तरह से एग्जाम को क्रैक करना है उसके बारे में बताने वाले थे। अब आने वाले जो होगा वो हमारे मॉड्यूल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8